विलास जितने भी बने हमेशा कम ही लगते हैं, बट सबसे ज्यादा क्वेरीज भी इन्हीं के लिए आती हैं। आप हाई राइज सोसाइटीज में तो अपनी कॉलेज लाइफ से ही रहना शुरू कर देते हैं, इनफैक्ट आपकी ऑफिस लाइफ और बैचलर लाइफ भी एक तरीके से हाई राइज सोसाइटीज में ही बीत जाती है। बट आफ्टर अ वाइल पार्टिंग एट द 34th फ्लोर के जो स्नैप्स हैं वो बोरिंग लगने लगते हैं एंड यू वॉन्ट टू मूव टू एन अपार्टमेंट विच इज़ लाइक बाय योर मॉम एंड डैड, द लो राइज अपार्टमेंट्स। इसीलिए हम आज आ चुके हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट को कवर करने जिसे आप सब अपना घर बोलना चाहेंगे। हेलो एंड वेलकम टू योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट, द नेस्ट स्टोरी। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू शो यू अ प्रॉपर्टी विच यू विल बी एबल टू लिव इन व्हेन यू सेव योर एंटायर लाइफ, अ लग्जरी लिस्टिंग विच यू विल बी एबल टू लिव इन व्हेन यू आर 60 ईयर्स। Jokes apart, I'm just kidding. Today we are going to show you a property called the ATS Pristine Villas located at Sector 150, Noida. इससे पहले हम आगे बढ़ें, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, वेलकम टू द नेस्ट स्टोरी। हमारे चैनल पर और भी प्रोजेक्ट रिव्यूज़ हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने फेलो ड्रीम हाउस हंटर्स को शेयर कर सकते हैं। लेट्स गो। Connectivity to Sector 150 is great since this project is located in Noida Sector 150. Noida Greater Noida Expressway ki jo distance yahan is sector se padti hai, that is approximately 18 kilometers. You can further go in that direction to Greater Noida and in fact reach Pari Chowk jahan se aapke liye baki ki connectivity achhi ho sakti hai. Sector 137 bhi aap max to max 15 to 20 minutes ke andar hi pahunch sakte hain. सबसे क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ पर, दैट इज़ सेक्टर 148। यहाँ पे काफ़ी ओपन स्पेस है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गोल्फ कोर्स राइट बिसाइड यू, राइट बिसाइड दिस प्रॉपर्टी। बिल्कुल आपको सिर्फ गोल्फ कोर्स व्यूज़ ही नहीं बल्कि प्राइवेट एक्सेस भी मिलता है इस प्रॉपर्टी से, सो दैट इज़ अमेजिंग। अभी हम गोल्फ कोर्स के व्यूज़ भी टेरिस एरिया से कवर करने वाले हैं, सो यू नीड टू वेट अनटिल दैट पार्ट। जेवर एयरपोर्ट की तरफ से जब आप आते हैं तो सेक्टर 150 विल बी द फर्स्ट सेक्टर दैट यू विल सी इन नोएडा। इस पूरे सेक्टर में, सेक्टर 150 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं जो कि आने वाले समय में, इनफैक्ट इस साल के एंड तक या फिर अगले साल तक फंक्शनल हो जाएंगी, ऑपरेशनल हो जाएंगी। सो जो आप जेंट्री ढूंढ रहे हैं अपने लिए वो आपको यहाँ पर रहती हुई मिलेगी अगले आने वाले एक साल के अंदर अंदर। बिल्ट ऑन अ लैंड पार्सल ऑफ 24 एकर्स, एक्सक्लूसिव 114 विलाज अवेट यू। प्रिस्टीन विलाज के अंदर दो साइजेस आपको मिलेंगे, वन इज 350 स्क्वायर यार्ड्स एंड द अदर इज 500 स्क्वायर यार्ड्स। एंड जब आपको नोएडा के अंदर ऐसे रिनाउंड डेवलपर के साथ ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिलती है, इनफैक्ट ऐसे विलाज मिलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही एक रिक्वायर्ड, यू नो, एक एम्बिशियस क्रॉसओवर हो चुका है यहाँ पर, और इसी वजह से 350 स्क्वायर यार्ड्स के सारे ही विलाज सोल्ड आउट हैं और 500 स्क्वायर यार्ड्स की जो इन्वेंट्री है वो भी काफ़ी कम बची हुई है। आज हम 500 स्क्वायर यार्ड का विला ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। कम लेट्स चेक इट आउट। लीडिंग टू द डबल हाइटेड सीलिंग ऑफ योर विला, दिस इज योर एंट्रेंस। कम ऑन इनसाइड। This is your massive foyer area, जो कि आपकी entrance और आपकी exit को काफ़ी grand feel देता है। And moving on to your very pretty and very luxurious living space, जहाँ पर आपके लिए बहुत सारा space है। As you can see, the feeling of luxury redefined. There you have the space which is your ground area. आपका जो garden area है वो बिल्कुल इस balcony से just बाहर निकलते ही आपको दिख जाएगा। Proper room for ventilation and sunlight and everything. And now this segment again, you can also utilize this for any purpose you'd like. And this is your private lift, जिससे आप इस पूरे घर में हर एक फ्लोर पर मूवमेंट ईजिली कर सकते हैं। And right now, after the living space, we will come to your dining section, which is again very pretty, very beautiful, very exquisite, you know, design and layout, as you can see. This is so pretty, the kitchen of every woman's dreams. These kitchen countertops give me the feel, the vibe of you know,
of those kitchen in Scotland kind of vibe. Like it's a very foreign idea. And the previous living area was just the trailer. This is the exact picture. This is your massive, massive living space. Your dining table बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पीस में है. यहाँ से जस्ट एक ग्लास यू नो पार्टीशन है और जिसके बाद आपके लिए ये पूरी फॉर्मल स्पेस लिविंग स्पेस आ जाती है. एंड यहाँ से सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि आपके लिए जो ओपन स्पेस है, जो आपके गार्डन एरिया का जो एंट्री है, वो यहाँ से भी है. लिविंग रूम से ही अटैच्ड आपके इसी फ्लोर पर आपके लिए बहुत ही मैसिव सा बेडरूम बना हुआ है विद अ ह्यूज ह्यूज मैसिव किंग साइज बेड हियर एंड अ ह्यूज टीवी कैबिनेट स्पेस हियर. ये रूम आप अपने गेस्ट्स को अलॉट कर सकते हैं व्हेन एवर दे आर हियर ऑन वेकेशन और एनीथिंग. आई एम श्योर दे विल लव इट मोर देन अ होटल. वेंटिलेशन के लिए ये पूरी की पूरी वॉल है और आगे आपका जो भी ग्राउंड एरिया है वो भी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पर आपको वॉक इन क्लॉजेट मिलता है पूरा का पूरा. दोनों साइड में फ्लोर टू सीलिंग हाइट का वॉक इन क्लॉजेट है और उसी के जस्ट सामने आपको एक अटैच्ड वॉशरूम भी मिलता है. आपके फर्स्ट बेडरूम के जस्ट बाहर ही आपका कॉमन पाउडर रूम. दिस इज़ नॉट अ वॉशरूम, दिस इज़ अ पाउडर रूम. यहाँ पर WC का कॉन्सेप्ट नहीं होता. And this is your powder room that your guests can use for their nature's cause. Let me show you how your entrance from the basement looks like. This is the area where your Range Rovers and Audis and Maybachs will be parked. This is your parking space जहाँ से आप enter करेंगे अपने घर के लिए. Directly आप यहाँ पर enter कर सकते हैं. आपके villa के ठीक सामने की जो parking space है वो आप ही के लिए allotted होगी. That will be very personal to you, right? एंड यहाँ से आपकी जो विला की एंट्री है वो शुरू हो जाती है बेसमेंट से. एंड दिस इज़ योर सुपर कूल एंट्रेंस विच विल बी फॉलोड बाय अ वेरी ब्यूटीफुल लिविंग स्पेस अगेन, जो कि बहुत ही अच्छी सीलिंग हाइट के साथ ओपन पैसेजेस के साथ आपको मिलती है. यहाँ पर आपके प्राइवेट यू नो डीप कॉन्वर्सेशंस विद योर फ्रेंड्स एट 2 AM कैन हैपन हियर इन दिस सेगमेंट. एंड यू नो वॉट इट विल बी फॉलोड बाय a great session of pool on this table. Now this is a great space for you know hanging out with your friends and family as well. यहाँ पर आपकी जो living space है वो extended है. यहाँ पर आपकी कोई partition नहीं है. That living space and this one come with no you know bifurcation as such. So जो openness है इस floor पर वो काफ़ी ज़्यादा है because of course ये basement का floor है और ventilation के लिए भी यहाँ पर आपको एक अलग से space दी गई है. And this is how your living space in your basement looks like. It's pretty cool, right? And now this could be your gaming room entirely. इसको आप चाहें तो एक private mini home theater की तरह भी develop कर सकते हैं. So that is the idea here. अब हम आ चुके हैं आपके विला के फर्स्ट फ्लोर पर और आपका फर्स्ट फ्लोर शुरू होता है यहाँ का जो आपको लेआउट है मैं पहले बता देती हूँ कि फर्स्ट फ्लोर आपका प्राइवेट एरिया शुरू हो जाता है यहाँ से. एंड दिस इज़ योर फर्स्ट रूम ऑन योर फर्स्ट फ्लोर एंड दैट इज़ योर सेकेंड रूम. वहाँ हम चलेंगे अभी बट सबसे पहले आपका पहला रूम देखते हैं. दिस इज़ योर एंटायर बेडरूम जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. आपको एक किंग साइज बेड के साथ एक अलग सेक्शन भी मिल जाता है सिटिंग के लिए. देयर ऑल्सो यू कैन क्रिएट सम यू नो सिटिंग स्पेस फॉर योर पार्टनर. वेंटिलेशन के लिए तो आपके पास ऑप्शन है ही. दिस मैसिव बालकनी दैट कम्स विद ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द सनसेट. आपके वॉक इन क्लॉजेट के सामने आपका वॉशरूम है. देयर इज दिस ह्यूज बाथटब हियर एंड अ मैसिव स्पेस इनसाइड योर वॉशरूम. आपके फर्स्ट बेडरूम के बाद हम आते हैं आपके कॉमन फैमिली लाउंज एरिया में जो कि काफ़ी स्पेशियस है. अगेन ह्यूज ह्यूज स्पेस हियर विच ऑल्सो हैज़ एन अटैच्ड पूजा रूम फॉर यू. अब आपके लिविंग और पूजा रूम के बाद हम देखते हैं आपका सेकेंड बेडरूम और यहाँ पर भी आपके लिए मैसिव बालकनी है, मैसिव स्पेस इन द रूम. वहाँ पर आपके लिए एक किंग साइज बेड के अलावा भी एक एल शेप्ड सोफ़ा के लिए भी जगह है. सो दैट इज़ प्रीटी गुड. टीवी स्टोरेज एंड कैबिनेट हियर अगेन अटैच्ड वॉक इन क्लॉजेट के साथ अ ह्यूज ह्यूज वॉशरूम अगेन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेरेस एरिया ऑफ दिस विला.
टेरेस एरिया पर ही दो सर्वेंट क्वार्टर्स विद अटैच्ड वॉशरूम भी हैं। 24 एकर्स के लैंड पार्सल में एक्सक्लूसिवली 114 विलाज ही बन रहे हैं। सो ये लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट हो जाता है NCR के अंदर, इनफैक्ट सेक्टर 150 के अंदर। ये पूरा का पूरा लैंड पार्सल बहुत ही एक्सक्लूसिवली डिज़ाइंड है और प्रॉपरली प्लान्ड है। यहाँ पर आसपास सिर्फ और सिर्फ ATS की ही सोसाइटीज़ हैं। आपके गोल्फ कोर्स से एडजॉइनिंग देर इज़ अनदर सोसाइटी कॉल्ड ATS ली ग्रैंडियोस एंड देर इज़ अनदर वन विच इज़ कॉल्ड ATS किंगस्टन हीथ। देर इज़ नो वेहिकुलर मूवमेंट इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द सोसाइटी, सो इट मेक्स द किड्स ऑल्सो फील प्रीटी सेफ इनसाइड द प्रेमिसेस। दैट इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट डिटेल। जब हम लग्जरी लिस्टिंग में जाते हैं तो फिर ऐसी छोटी छोटी बातों से ही वो लग्जरी डिफाइन हो जाती है, एंड द डेवलपर्स प्रीटी मच अंडरस्टैंड दैट। प्रिस्टीन विलास की जो कॉस्ट इस वक्त है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 crores एट दिस पॉइंट। अगर आप इसी प्राइस रेंज में कुछ और कोई और ऑप्शन भी देख रहे हैं नोएडा के अंदर, देन देयर इज अनदर ऑप्शन ऑफ ATS नाइट्स ब्रिज विच इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 124 नोएडा, वेयर द प्राइसिंग राइट नाउ द टिकट प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली 11 crores। एज पर रेरा ये प्रॉपर्टी आपको दिसंबर 2026 तक डिलीवर हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू गेट द पोजेशन। NCR के अंदर ऐसे ट्रस्टेड डेवलपर के साथ इतनी प्राइम लोकेशन पर और वो भी गोल्फ कोर्स एक्सेस के साथ इतनी सारी लग्जरी ऑफरिंग्स मिलना इज़ प्रीटी मच अ बिग डील इन इटसेल्फ। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड यू कुड डेफिनेटली चेक आउट प्रिस्टीन विलास फॉर योरसेल्फ। डिड यू लाइक व्हाट यू सॉ हियर? एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ कॉमेंट बिलो एंड टेल अस हाउ डिड यू लाइक द प्रोजेक्ट रिव्यू ऑफ प्रिस्टीन विलास। Meanwhile, please keep liking, sharing, commenting and subscribing to The Nest Story to see all these luxury properties around you. This is Diksha Singh signing off.